फ्रेंड, वेलकम टू अंकित गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जब गलती हो जाए तो माफ करिएगा, पैर छूकर धन्यवाद करती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं अपने प्लांटों की कुछ कटिंग करूँगी, तो आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं कौन कौन से प्लांटों की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने प्लांट ही काट देती हूँ। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया आज। आज मैं अपने प्लांट के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा सा उनको कट कर दूँगी तो वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा, और उनकी रूट्स नई नई निकलेंगी। तो कटिंग करने से हमारा प्लांट भी सुंदर बन जाता है, एक बोनसाई तैयार होता है, और नीचे से इसके जो मोटा होता है तो वही करूँगी फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो बने रहेगा और देखिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा है प्लांट लालसा। इसको मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है बहुत। तो फ्रेंड देखिए, मैं इसको देखिए कितना लॉन्ग हो गया है। तो आज मुझे इसको काटना है, तो मैं इसकी सारी कटिंग कर दूंगी, तो ये फिर और नीचे से अच्छे से ग्रोथ करेगा, और ये छोटे नीचे से इसके ब्रांचेस अच्छी अच्छी निकलेंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए फैला फैला सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। एक टहनी इसकी इधर जा रही है, एक टहनी इसकी इधर जा रही है। तो हमारा कोई सा भी प्लांट हो, हमें उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसकी कटिंग कर देते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे काटा जा रहा है, तो वो और जल्दी जल्दी से ग्रोथ करता है और नई नई पत्तियां निकालता है। तो इसलिए मुझे भी आज इसको काटना ही था, तो मैंने इसको आज काट ही दिया। देखिए कितना ज़्यादा फैल चुका है नीचे से, या तो फिर बहुत ज़्यादा जगह हो तो फिर जितना फैलना हो उसको फैलने ही दो। लेकिन जो इधर उधर टहनियाँ जाती हैं तो प्लांट कुछ अच्छा नहीं लगता। और अगर ये आराम से ही बोन साइज एक रूप ले लेता है, मतलब नीचे से मोटा और ऊपर घना एक पेड़ के जैसे बन जाता है, तो खूबसूरत लगता है। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही इसको बनाना है, तो इसलिए मैं इसकी सारी जो ये बड़ी बड़ी सी टहनी इसकी निकल चुकी थी, तो आज मैं इन्हीं को कट करके और एक सुंदर इसको आकार बनाना है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, अभी तो मैंने इसकी कटिंग ही लगाई थी और कटिंग से ही इतना ज़्यादा ये तैयार हो गया था। देखिए मैंने इसको इतना इतना कट कर दिया है और ये इतना ही छोटा बचा हुआ है। अब ये नीचे से ग्रोथ करेगा और जो भी इसकी टहनी बढ़ती जाएंगी उन्हें मैं सभी को काटती जाऊँगी। देखिए थोड़ी सी कटिंग लगाई थी और इतना ज़्यादा हो गया, कुछ कहने को नहीं। तो फ्रेंड, अगर ये लालसा आपके पास है तो आप भी इसकी कटिंग ज़रूर कर दे, और इसको आप भी घना मोटा इसको बनाएं। और कटिंग से ये बहुत अच्छे से नई नई ब्रांचेस निकालता है, तो प्लांट को सुंदर लगता है। और जो पुरानी ब्रांचेस हो जाती है वो कुछ अच्छी नहीं लगने लगती, तो इसलिए मैंने इनमें दोनों में ही लगा था, दोनों को ही इसको कटिंग कर दी। अभी एक में और लगा है, उसको भी कट करना है मुझे। तो इनकी सारी की कटिंग, कोई भी प्लांट हो अगर उसकी हम कटिंग कर देते हैं तो ये खूबसूरत सा बन जाता है फ्रेंड। और इसमें तो मेरी ये थोड़ी सी गुलदावरी लगी हुई थी, और देखिए मैंने इतना भी ये कट कर लिया है। अब मुझे भी कई सारे प्लांट कट करके निकालने हैं, तो ये कुछ इतनी। और आप इसकी कटिंग भी लगाएंगे तो बहुत आसानी से कटिंग भी लग जाएगी। आप छोटी सी कटिंग ले लेंगे तो वो भी लग जाएगी फ्रेंड। मैं आपको कटिंग भी लगाना बताऊंगी कैसे कट कर लगाना है। तो ये मेरा हो गई इतनी सारी। अब मैं अभी दूसरा लाऊँगी, उसमें भी लगी हुई, तो उसको भी लगा ही देती हूँ फ्रेंड। उसको भी कट कर लेती हूँ, क्योंकि इधर उधर जब प्लांट फैल जाते हैं तो कुछ अच्छे नहीं लगते। और ये है मेरा अपारजिता, जिसको लीलकंठ बोलते हैं। तो मेरा ये लीलकंठ का प्लांट है, तो मुझे इसकी भी कट ही कर देना है। इसका भी बोन साइज एक प्लांट बहुत अच्छा से बनता है पेड़ की तरह। तो मैंने इसकी भी जो बड़ी बड़ी सी इधर उधर फैल रही थी, तो उनको भी मैंने कट कर दिया, क्योंकि अभी इस समय ये कट कर देंगे तो हमारा गर्मी में फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। क्योंकि फ्लावरिंग तो अभी हो रहा है, लेकिन इसके बीज बहुत सारे बन गए थे, तो ये टहनी टहनी दिख रहा था, तो मैंने इसलिए इसके भी हटा दिए। जो ऊपर ऊपर के जो झोड़ने जैसे बने थे उनको भी मैंने हटा ही दिया, क्योंकि हटा देंगे तो ऊपर का ग्रोथ ना होगा, कि नीचे का थोड़ा ये इसका स्टिंग जो होती है वो थोड़ी मोटी होगी, तो इसलिए मैंने इनको हटाया हुआ है। और ये इसकी कटिंग भी लगती है फ्रेंड, और आप बीज से भी इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो बीज से भी बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाता है। और ये वास्तु के अनुसार से आप जानते हैं ये पौधा बहुत शुभ माना जाता है। और इसके फ्लावर ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप इसके फ्लावर के ग्रीन टी बना के पी सकते हैं, तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मोटापे के लिए फ्रेंड, और पेट गैस से, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके फ्लावर से आप पा सकते हैं। ग्रीन टी बना के पीने से, ग्रीन टी बनाते हैं उसमें थोड़ा काला नमक और हनी डाल के, बहुत खूबसूरत बनता है फ्रेंड, आप बनाइएगा, बहुत वास्तु के अनुसार शुभ माना जाने वायदा भी है। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसकी भी कटिंग कर ही दी है,
अब आप भी अगर आपके ऐसे कोई प्लांट है तो आप उनका बोन साइज बनाए, बोन साइज से एक जो प्लांट होता है उसका लुक ही कुछ और अलग हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगने लगता है। बोन साइज से बहुत सुंदर कोई भी प्लांट हो, कोई भी पौधा हो, अगर उसकी बोन साइज हो जाती है तो उसका लुक ही कुछ अलग हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। तो इसकी भी मैंने कर दी है और अभी मेरे पास पर्याप्त अभी एक और नीलकंठ, उसकी भी कटिंग करूँगी मैं। और देखिए अभी नीचे से ग्रोथ करेगा और नीचे से छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकालेगा तो सुंदर लगेगा। तो मैंने इन सभी को जो बड़ी बड़ी इसकी टहनी थी मैंने सभी को कट कर दिया है कि ये नीचे से निकाले फ्रेंड। और आप देख लीजिए एक ये इसमें भी लगा है, इसकी भी मैं सारी ब्रांचेस कट करके अलग कर दूँगी। देखिए किस तरह से लटका, कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसलिए इनको कट कर, क्योंकि इसमें तो कई सारे बीज से ग्रो हो गया था अपने आप से, कई सारे पौधे एक ही साथ ग्रो होते। एक प्लांट हो तो एक ही पौधा उसमें लगाएं, मतलब एक पॉट में एक ही लगाएं, तो कुछ मोटा हो तो मैंने इसमें से अपने आप से उग गए तो फिर मैंने इनको उखाड़ा नहीं है, हो गए हैं। मैंने कहा जब फ्लावरिंग हो जाएगी फिर मैं इसको कोई सुंदर सा आकार दे के इसको कट करूँगी, तो बोन साइज इसका इसका भी बनाऊँगी फ्रेंड। तो मैंने इसको भी कट कर दिया है। तो आपको मेरी ये कैसा लगा फ्रेंड आप लोग कमेंट बताइएगा। और आप भी ऐसे कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन काम नहीं है फ्रेंड। कोई भी प्लांट हो उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो और ग्रोथ करे और सुंदर सुंदर से ब्रांचेस निकालते रहे और उसकी ग्रोथ बराबर बनी रहे, इसलिए प्लांट के साथ ये सब करना बहुत ज़रूरी। कोई भी पौधा हो ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है तो आप उसकी कटिंग ज़रूर करें। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी, ये भी कट हो चुका है और देखिए इतनी सारी इसकी कटिंग भी निकली हुई है। और ये देखिए लाल सा की और ये अपराजिता की इतनी सारी कटिंग निकल चुकी है फ्रेंड। कई जल्दी नाम भी नहीं आता और क्योंकि मेरी थोड़ी सी गला सही नहीं चल रहा, गला बहुत दर्द कर रहा था फ्रेंड तो चार दिन से, तो इसीलिए इस समय कुछ मतलब दूसरी मीटिंग में वीडियो बना रही तो कुछ ठीक है, क्योंकि मैंने नमक पानी गर्म करके पिया था तो कुछ राहत है, बाकी आवाज़ थोड़ी अभी सही नहीं आ रही। तो देखिए इस तरह से आप इसको कट करके आप इसकी कटिंग इस तरह से लगा सकते हैं, कोई भी पानी में भी आप डाल दें तो ग्रोथ जब जड़ निकल आए तो आप लगा लें, या फिर मिट्टी में इस तरह से दबा दें, तो इस तरह से आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं फ्रेंड। और इसके देखिए बीज भी बहुत सारे हो गए हैं। तो ये नीलकंठ को या अपराजिता इसको बोलते हैं, तो आप इसकी कटिंग आप बीज से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए इसके बीज तो आप बीज से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने बीज इसके इकट्ठा करके रख लिया है ताकि अगर हमारा प्लांट कभी ख़राब होता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, अभी तो सर्दी अभी तो थोड़ी ख़राब होगा, गर्मी में चांसेस रहते हैं प्लांट के ख़राब होने के। तो मैंने इसके बीज भी निकाल के रख लिया है कि कभी ख़राब हो तो मैं इसको बीज से ग्रो कर लूँ। मैं हमेशा अपने पौधों जो बीज से ग्रो होते हैं उनको बीज से ही ग्रो करती हूँ, घर में मैं नर्सरी से नहीं लाती हूँ, बीज से ही ग्रो कर लेती हूँ फ्रेंड। तो आप लोग भी ऐसा करें, और जो भी मतलब एक प्लांट से कई सारे प्लांट बनने वाले होते हैं उनके आप बीज वगैरह जो भी होता है आप उनको संभाल के रख लें, जब भी काम पड़े तो आप उनको भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए इतने सारे मेरे ये कटिंग से निकली हुई है, तो या मैं इनको लगा सकती हूँ या किसी को दे सकते हैं, या फिर हम इनको गला करके कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, अपने प्लांटों के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। कोई बड़ा कंटेनर हो उसमें आप डाल दीजिए सड़ जाएगी तो आपसे अपने प्लांटों के लिए एक खाद तैयार हो जाएगी, या फिर आप इसको कटिंग से आग लगाना चाहें तो सभी की कटिंग कर करके और आप लगा भी लीजिए तो एक पॉट आपका और तैयार हो जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बाय बाय लव यू माय।